ये है सैमसंग म्यूजिक प्लेयर, बिल्कुल ओरिजिनल ऐप। तो दोस्तों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक वर्ल्ड। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जो सैमसंग गैलेक्सी फोन है उसमें आप म्यूजिक प्लेयर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो सैमसंग गैलेक्सी फोन है उसमें म्यूजिक प्लेयर वाला ऐप पहले से नहीं मिलता। तो दोस्तों बहुत लोगों को पता नहीं कि उसे कैसे इंस्टॉल किया जाता है। गूगल प्ले स्टोर पर हम सर्च करते हैं तो म्यूजिक प्लेयर तो हमें बहुत सारे म्यूजिक प्लेयर मिल जाते हैं, लेकिन उनमें से सभी जो है वो फेक होता है, कोई एकदम बेकार होता है, कोई किसी में वायरस होता है जो डिवाइस को ख़राब भी कर सकता है, कोई में म्यूजिक जो है कम आता है, तो वो सब प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मैं आपको आज स्टूडियो में बिल्कुल ओरिजिनल म्यूजिक प्लेयर, वो भी सैमसंग का म्यूजिक प्लेयर कैसे इंस्टॉल कर सकते हो आप अपने मोबाइल पर, ये आज बताने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों आज से वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पास मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप सैमसंग का ऑफिशियल म्यूजिक प्लेयर ऐप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर और सर्च बार पर सर्च करना है सैमसंग म्यूजिक प्लेयर। तो दोस्तों फर्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको कर देना है क्लिक। फिर ये दोस्तों देख लीजिए, ये है सैमसंग का बिल्कुल ओरिजिनल ऐप सैमसंग म्यूजिक प्लेयर। ये बिल्कुल फेक नहीं है दोस्तों, आप ज़रूर से ज़रूर इस ऐप को इंस्टॉल कर ले, क्योंकि यही एक ओरिजिनल ऐप है जिसको सैमसंग ने खुद बनाया है। इसकी रेटिंग आपको दिखा देता हूँ, 3 की रेटिंग है, 50 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड्स है और 4.5 की रेटिंग 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने दी है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना अच्छा ये ऐप है, कितना अच्छा ये म्यूजिक प्लेयर है। तो दोस्तों आप ज़रूर से ज़रूर इस म्यूजिक प्लेयर को डाउनलोड करें, कोई भी फेक ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड ना करें, जिसको मैंने बताया है उसी को डाउनलोड करें, मतलब इस ऐप को डाउनलोड करें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।